आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया का खास शो बॉलीवुड गपशप और आपके साथ मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त पारुल त्यागी। आपके एंटरटेनमेंट में लगने वाला है नया तड़का, तो हो जाइए तैयार देखने के लिए बिग बॉस 14 का फिनाले कैसा हुआ। सूरज परजातिया मना रहे हैं अपना जन्मदिन, किससे मिलती है आखिर सैफ और करीना के बेटे की शक्ल, और जॉन अब्राहिम इस साल कैसे मचाने वाले हैं धमाल, सुशांत सिंह राजपूत फिर से क्यों करने लगे हैं ट्रेंड। तो चलिए करते हैं शुरुआत। दर्शकों के अटकलों को सच साबित करते हुए आखिर बिग बॉस ने अपने सीजन 14 के विनर का नाम घोषित कर दिया है। जी हाँ, लंबे समय से चल रहे शो का कल ग्रैंड फिनाले हुआ और सभी को मात देते हुए रुबीना दिलेक ने बिग बॉस की ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। ट्रॉफी के साथ रुबीना को 36 लाख रुपए का प्राइज मनी भी मिला और इसी के साथ सलमान खान ने सीजन 15 का भी ऐलान कर दिया है और बताया कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है। सलमान ने बताया कि इस बार वूट ऐप पर रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा। हिंदी सिनेमा के दिग्गज निर्माता और निर्देशक सूरज बरजात्या आज अपना 57वां जन्मदिन मना रहे हैं। बॉलीवुड में सूरज बरजात्या को फैमिली मूवीज बनाने के तौर पर जाना जाता रहा है। उन्होंने अपने करियर में बहुत ही कम फिल्में बनाई, लेकिन जितनी भी फिल्में उन्होंने बनाई उसे दर्शकों का काफी प्यार मिला। सबसे ज्यादा सूरज की जोड़ी सलमान खान के साथ जमी। उनकी जोड़ी सलमान खान के साथ शानदार रही और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि सलमान का करियर बनाने के पीछे सूरज बरजात्या और राशि प्रोडक्शन का बहुत बड़ा हाथ है। सूरज ने अपने 32 साल के करियर में कुल 7 फिल्मों का निर्देशन किया है। एक्ट्रेस करीना कपूर ने कल दूसरे बच्चे को जन्म दिया और जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया और तमाम फैंस बेबी की एक झलक देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इस बीच एक्टर रणधीर कपूर ने करीना के बेबी को लेकर खुलासा किया है। दरअसल सोशल मीडिया पर चर्चा चल रही थी कि घर में आया नन्ना मेहमान किस पर गया है, करीना या फिर सैफ। इस पर रणधीर कपूर ने बताया कि बेबी ना तो करीना पर गया है और ना ही सैफ पर, बल्कि बेबी में तैमूर की झलक दिखती है। सुशांत सिंह राजपूत के चाहने वाले आज भी उन्हें भूल नहीं पाए हैं। लगातार सोशल मीडिया पर सुशांत सिंह राजपूत ट्रेंड करते हैं। आज भी वो सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड कर रहे हैं। इस बार उनके ट्रेंड करने की एक खास वजह है। दरअसल इस बार सुशांत के फैंस के लिए खुशखबरी है। जी हाँ, एक्टर के निधन के बाद उन्हें बेस्ट एक्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में मुंबई में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड की घोषणा की गई। इस अवार्ड समारोह में क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर के रूप में सुशांत सिंह राजपूत को सम्मानित किया गया। सुशांत को उनकी आखिरी फिल्म दिल बेचारा के लिए यह अवार्ड मिला है। साल 2021 जॉन अब्राहम के लिए काफी खास होने वाला है। उनकी कई फिल्में रिलीज के लिए तैयार है। एक तरफ ईद पर वो फैंस को सत्यमेव जयते 2 की सौगात देने वाले हैं, तो वहीं स्वतंत्रता दिवस पर भी जॉन का ही जादू चलने वाला है। जी हाँ, जॉन ने ऐलान कर दिया है कि स्वतंत्रता दिवस पर उनकी नई फिल्म अटैक रिलीज होने वाली है। अटैक के साथ जॉन एक बार फिर ताबड़तोड़ एक्शन करते नजर आएंगे। बता दें, फिल्म में जॉन के ऑपोजिट एक्ट्रेस रकुलप्रीत भी नजर आएंगी। बॉलीवुड गपशप में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।